हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच दिस इज निर्देश भारद्वाज आज आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्जामिनेशन जो कि फिजिक्स पीजीटी का एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है पीजीटी फिजिक्स का उसके लिए आप जानिए कि इसके लिए जो है कंसर्न जो सब्जेक्ट होता है उसके 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं प्लस टेन प्लस टेन यह जो है एग्जाम का पैटर्न रहता है जिसमें जो 80 क्वेश्चन है यह कंसर्न सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के 80 क्वेश्चन होंगे जिसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल नेशनल जीके के होंगे इंटरनेशनल और नेशनल जीके के होंगे और दो घंटे जो है एग्जाम की टाइमिंग रहेगी टू आवर्स ठीक है तो ये जो था इसका एग्जाम पैटर्न है एटी प्लस टेन प्लस टेन एटी कंसर्न सब्जेक्ट है टेन हिमाचल प्रदेश जी है और दस जो है जी होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का टाइमिंग जो है वो दो घंटे रहने वाली है ठीक है आइए तो जो अब इसकी मेन चीज है जो मेजर जो चीज है वो है इसका सब्जेक्ट इसका आ, सिलेबस क्या है ठीक है तो सिलेबस जो है तीन भागों में इसका बांटा गया है सीनियर सेकेंडरी है, जो प्लस वन प्लस टू का सिलेबस है वो उसमें देखिए मैं आपको टॉपिक टॉपिक के नाम बताऊंगा आप चाहे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है या तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप इसका सिलेबस जो है देख सकते हैं ठीक है जैसे जैसे पार्ट वन में देखिए सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जिसके अंदर आता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट डायमेंशनल फार्मूलाज डायमेंशनल इक्वेशन एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट ये लगभग प्लस वन प्लस टू का कंप्लीट सिलेबस है ग्रेजुएशन का भी लगभग कंप्लीट सिलेबस है फिर भी आप टॉपिक के नाम देख सकते हैं मैं टॉपिक के नाम पढ़ता जाऊंगा ताकि जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो और जो उसका डिटेल है वो आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो दूसरा टॉपिक है हमारा है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन तीसरा है वेक्टर चौथा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन फिफ्थ टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन सिक्स टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर और जो प्लस वन और प्लस टू का फिजिक्स है उसे जो है मैं अपने चैनल पर बहुत डिटेल से जो है करवा रहा हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ठीक है सातवां टॉपिक है रोटेशनल मोशन आठवां है ऑसिलेटरी मोशन और इसके अंदर क्या आएगा वो आप आगे देख सकते हैं जैसे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स इक्वेशन कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशन इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन लिक्विड इन मोशन कैंटिक एनर्जी ऑफ गैसेस हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स फिफ्टीन टॉपिक है रेडिएशन सिक्सटीन है वेव्स और सेवनटीन टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल मेजरमेंट इस टॉपिक से जो है टी जी टी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीजी टी में भी जो है पूछे जाते हैं ठीक है एटीन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है आप वीडियो को पॉज करिए और डिटेल में जो है हर टॉपिक के अंदर भी क्या आएगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं या इसका ले लीजिए ठीक ठीक है 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 हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ट्वेंटी करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट ट्वेंटी टू टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट वेव ऑप्टिक्स यह टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी सॉलिड एंड सेमी कंडक्टिव डिवाइस और ट्वेंटी एट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कॉम्युनिकेशन ये लगभग प्लस वन और प्लस टू क्लास का कंप्लीट सिलेबस है ठीक है और अभी जो है हम प्लस वन और प्लस टू क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं ठीक है जिसमें हम प्लस वन क्लास के सिलेबस पे एट्थ यूनिट पे जो है पहुंचे हुए हैं चलिए अब इसके बाद ये तो था हमारा प्लस वन और प्लस टू का सिलेबस ठीक है आई होप आपने जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और डिटेल्स में जो है सिलेबस को देखा होगा उसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का कि ग्रेजुएशन लेवल तक के फिजिक्स में क्या आएगा उसके टॉपिक्स क्या है तो जो पहला टॉपिक रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का वो रहने वाला है मकैनिक्स ठीक है और मकैनिक्स के अंदर क्या क्या आएगा देखिए इनर्सियल फ्रेम आएंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन इनर्सियल फ्रेम फिक्चिस फोर्सिस रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके क्लो कोरिलोइस फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन पोस्टूलेट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन एंड एक्सेक्ट्रा ठीक है आगे आप देख सकते हैं मैं आपका ज्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये जो सिलेबस है कंप्लीट इसे देख सकते हैं दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है वेव्स एंड ऑसिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्थ टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फिफ्थ टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट एनालिसिस ठीक है आप वीडियो को पॉज करिए और कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ऑप्टिक्स यहाँ से भी एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सेवंथ टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है और इसके अंदर क्या आएगा यहां पर आप डिटेल से देख सकते हैं एथ टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स यहां पर भी मैं आपको कहूंगा कि यह जो है ग्रेजुएशन लेवल का भी कंप्लीट सिलेबस है क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है इसलिए जो एमएससी तक हमने पढ़ा हर एक चीज हमें डिटेल में पढ़नी है ठीक है तो ये कुछ नाइन टॉपिक थे जो पोस्ट माफ कीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल के रहने वाले थे इसके बाद आता है पार्ट थ्री पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का हमें क्या क्या पढ़ना है ठीक है जिसमें पहला आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें आएगा टेंजर मेट्रेसिसपलेस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं और ये हर एक चीज आपको पढ़नी है और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तीसरा है थर्मोडाइनमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चौथा टॉपिक है हमारा क्वांटम फिजिक्स फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स और इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा ये आप आगे जो है देख सकते हो क्वेश्चन माफ कीजिएगा टॉपिक नंबर सिक्स है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अटोमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट इन फिजिक्स क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा पॉली प्रिंसिपल स्पिन स्पिन इंटरेक्शन जीमन इफेक्ट पाश्चन बैक इफेक्ट स्टार इफेक्ट एल एस एंड जेजे कपलिंग हाइपरफाइन स्ट्रक्चर एटसेक्टर यहां पर आप जो है कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है और एक बात मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर जो है टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है ठीक है जिसमें हम मैथेमेटिक्स फिजिक्स और टीजीटी नॉन मेडिकल में जितने भी सब्जेक्ट कवर होते हैं हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते हैं फिजिक्स की एहतियात अब अगर, अगर, अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपको जो है हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए हम फिजिक्स प्लस वन का भी पढ़ रहे हैं और प्लस टू का भी अभी हम कवर करेंगे जो अंतिम टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जिसके अंदर इनक्लूड होगा न्यूक्लियर सेल मॉडल कोलेक्टिव मॉडल इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे विद मैटर मैसोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर स्कैटर थ्यूरी पीपीएम विगनर स्कैटरिंग फार्मूला फर्मी थ्योरी ऑफ बी डे एटसेट्रा आप देख सकते हैं कि यह जो है कंप्लीट सिलेबस है किसका एचपी पी एस सी पीजी टी का हिमाचल प्रदेश जो पीजी टी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम होता है उसका यह कंप्लीट सिलेबस था जिसमें हमने प्लस टू का सिलेबस पढ़ा ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ा और ग्रेजुएशन के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया कि क्या सिलेबस जो है रहने वाला है पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताया वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत